हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल एंड न्यूज 48 एक्सप्रेस में। तो आज चेहरे की खुशी से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और हालांकि ठंड इतनी थी, मन नहीं था कि लाइव आऊं, मन ये कर रहा था कि रजाई में बैठ के आराम से वहीं से ही बिना फेस दिखाए वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, लेकिन रुका नहीं गया। तो साथियों, आप लोगों के लिए जो अपडेट है वो मैं एक बार बताना चाहता हूं, और थंबनेल में जो आपने देखा है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आपको बताना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपको फ्री नोट्स, डेली करंट अफेयर्स और जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनके लिए आपको स्टडी कराई जाएगी। तो साथियों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग काफी समय से एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से बात कर रहे थे। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि सर जो न्यू वैकेंसीज हैं उनके बारे में आप कुछ करिए। तो सर ने बोला था कि जो 16 तारीख को हियरिंग थी तो उस टाइम सर बिजी थे। तो हमने सर से कहा था कि सर प्लीज एक बार DSSSB पे दबाव बनाइए और आप कुछ करिए, क्योंकि हम लोगों को पता है, देखो सर से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। और जो पिछली वैकेंसीज आई हैं उनमें सर का कितना योगदान है, हमारा तो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों का बहुत योगदान है, सर का बहुत योगदान है। तो इन वैकेंसीज के लिए भी हम यही चाहते हैं। तो सर ने आज हमारी बात मानी, क्योंकि सर बिजी थे तो सर ने हमें भरोसा दिलाया था कि हम जरूर करेंगे। तो कल भी हमने सर को मैसेज किया था कि सर प्लीज करिए, तो सर ने कहा था कि कल हम कर देंगे। तो आज बड़ी अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए कि सर ने DSSSB के चेयरपर्सन को, आप सुन लीजिए, DSSSB के चेयरपर्सन को नोटिस भेजा है, आज लेटर भेजा है कि आप वैकेंसीज निकाल दीजिए। 17,000 के लगभग जो वैकेंसीज हैं आप निकाल दीजिए। अगर आप वैकेंसीज नहीं निकालते हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि वैकेंसीज आनी चाहिए, और अगर आप वैकेंसीज नहीं निकालते हैं तो मजबूरन हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर इस चीज के पक्ष में है, बिल्कुल वो चाहते हैं कि वैकेंसीज आनी चाहिए। और हम दिल से सर का धन्यवाद करते हैं कि सर ने इतना अच्छा कदम उठाया। और इसमें सिर्फ साथियों, इसमें सिर्फ 17,000 जो PRT, TGT, PGT, NTT इनकी ही वैकेंसीज नहीं है, इनके अलावा जो स्पेशल वाली वैकेंसीज हैं उनके लिए भी लेटर में स्पेशल लिखा है कि जो स्पेशल वाली वैकेंसीज हैं, जो वैकेंट है, जो PRT, TGT वाली स्पेशल है, उनकी वैकेंसीज भी आनी चाहिए। और ये लेटर सीधा जो DSSSB के चेयरपर्सन है उनको लिखा है, उनको पूरा बताया है कि तब ये बोला गया था, कोर्ट का ऑर्डर ये था, लेकिन आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। उसमें सीधे तौर पे ये भी बोला है कि आपको जवाब देना था कोर्ट में कि अब कब आप वैकेंसीज निकालेंगे। आपने ये तो बोल दिया था कि मार्च तक आप कर देंगे प्रक्रिया पूरी, आपने ये नहीं बताया, क्योंकि कोर्ट ने जवाब मांगा था, उन्होंने टाइम दिया था कि लगभग 4 वीक्स में वो करके दे देंगे कि कब हम एडवर्टाइज करेंगे, कब सारी चीजें होंगी। तो अब बड़ा अच्छा लग रहा है, और एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने सीधा उनको बोल दिया है कि अगर आप वैकेंसीज नहीं आती हैं तो हमें मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो साथियों, ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं, और ये मैं रियली बताऊं, ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, और बस इस सब के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर का धन्यवाद, जो हमारे प्रदीप जी हैं, प्रदीप कौशिक सर हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमें ताकत देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, देखो ये आप लोगों ने और हमारे जो एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो भी साथी लेटर के बारे में डिटेल चाहते हैं, वैसे तो स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, जिनको विश्वास है वो समझ गए होंगे, लेकिन जिनको अगर कुछ और डिटेल चाहिए तो पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें यही है, तो यही आपको बताना चाहता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का लिंक है, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रुकना नहीं है, अब पढ़ना है। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।